Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत करता हूँ सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज हम शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 59 हल करेंगे। दोनों लेवल के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। सिलेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बिल्कुल एग्ज़ाम में बिल्कुल इसी तरह से प्रश्न बनाए जाएंगे। यूँ मान के चलिए कि जैसे आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर रहे हो तो उसी प्रकार से ईमानदारी से आपको प्रश्नों को हल करना है। शुरू करते हैं इस वीडियो को। बहुत ही शानदार अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, प्रश्न नंबर एक। एक प्रोजेक्ट वह उद्देश्य कार्य है जो पूर्ण निष्ठा के साथ सामाजिक वातावरण में संपन्न होता है। यह कथन है थॉमस तथा लेक का, किलपैट्रिक का, मॉरिसन का और अरस्तु का। तो उपरोक्त जो कथन कहा गया है प्रोजेक्ट विधि के संदर्भ में, वो किसके द्वारा कहा गया है आपको ये देखना है। तो प्रश्न संख्या एक में सही विकल्प का चयन करना है आपको। देखिए, प्रश्न नंबर एक में जो सही विकल्प है वो है विकल्प नंबर दो। उपरोक्त जो कथन कहा गया है ये किलपैट्रिक के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट या परियोजना विधि के जनक भी किलपैट्रिक ही है, सभी को पता होना चाहिए साथियों। साथ में जो प्रोजेक्ट विधि है ये मूल रूप से जॉन ड्यूवी की जो विचारधारा है करके सीखने की, उस पर ये आधारित है। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर दो पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन साथियों, प्रादेशिक विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं हर्बर्टसन, किलपैट्रिक, जॉन ड्यूवी और स्किनर। तो प्रादेशिक विधि किसके द्वारा दी गई है या इसके जनक या प्रवर्तक कौन है? ये चार विकल्प आपके सामने हैं, इनमें से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिए, प्रादेशिक विधि की अगर हम बात करें तो प्रादेशिक विधि के प्रवर्तक या जनक माने जाते हैं हर्बर्टसन। हर्बर्टसन के द्वारा ही प्रादेशिक विधि दी गई है, तो विकल्प नंबर आपका एक सही है प्रश्न संख्या दो में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर तीन की ओर। तीसरा क्वेश्चन, फ्लेनल बोर्ड को सहायक सामग्री के रूप में जिस उपयोग में लिया जाता है वह है चित्रों को प्रदर्शित करने में, फिल्म स्ट्रिप को प्रदर्शित करने में, घटनाओं को क्रमबद्ध रूप में प्रदर्शित करने में और स्लाइड के प्रदर्शन में। तो फ्लेनल बोर्ड एक दृश्य सामग्री होती है जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है आपको ये देखना है। तीसरे क्वेश्चन में सही विकल्प का चयन करो, कौन सा विकल्प इसमें सही है? देखिए, इसमें जो राइट आंसर है वो रहेगा प्रथम विकल्प, चित्रों को प्रदर्शित करने में फ्लेनल बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। फ्लेनल बोर्ड एक खादी का बोर्ड होता है साथियों, जिस पर चित्रों को चिपकाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो विकल्प नंबर आपका एक सही है प्रश्न नंबर तीन में। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर चार की। चौथा क्वेश्चन है साथियों, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखते जाना, 10 क्वेश्चन के बाद में आपको और ही बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। खैर, पूरे ही एक एक क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 10 क्वेश्चन जब हो जाएंगे तो उसके बाद में और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। प्रश्न नंबर चार है, निम्न में से कौन सी विधि केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर बल देती है? परियोजना विधि, इकाई शिक्षण विधि, समस्या समाधान विधि और व्याख्यान विधि। तो केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर बल देने वाली विधि इनमें से कौन सी है? देखिए, जो परियोजना विधि है, इकाई शिक्षण विधि है, समस्या समाधान विधि है, इसमें सैद्धांतिक के अलावा व्यवहारिक ज्ञान भी प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन जो व्याख्यान विधि है साथियों, इसमें सिर्फ और सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। अतः सैद्धांतिक ज्ञान पर बल देने वाली विधि कौन सी विधि है? व्याख्यान विधि है, जो कि शिक्षक केंद्रित विधि होती है। कैसी होती है? शिक्षक केंद्रित, मतलब इसमें शिक्षक ही एक्टिव रहता है, छात्र सिर्फ सुनते हैं, मतलब छात्र कैसे होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। तो आपका यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है? चौथा विकल्प सही है प्रश्न संख्या चार में। प्रश्न नंबर पाँच पे आते हैं साथियों। पाँचवा क्वेश्चन है, एक अध्यापक पाठ का विकास करते हुए सूत्र स्थापित करता है, बताइए हर्बर्ट की पंचपदी में वह किस पद में है? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, अभ्यास कार्य और उद्देश्य कथन। तो आपने हर्बर्ट की पंचपदी सभी ने पढ़ रखी होगी। इसमें देखिए, अध्यापक पाठ का विकास कर रहा है और सूत्र स्थापित भी कर रहा है। तो प्रस्तावना में तो प्रकरण को बताया जाता है,
उद्देश्य कथन में ये कहा जाता है कि भाई हम आज इस टॉपिक को पढ़ेंगे। अभ्यास कार्य जब पाठ योजना पूरी हो जाती है तो उसके बाद में दे दिए जाते हैं लास्ट में, इसलिए ये तीनों विकल्प ही सही नहीं है, बल्कि सही विकल्प है प्रस्तुतिकरण। क्योंकि प्रस्तुतिकरण में हम पाठ को बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं, वहीं पर सूत्र स्थापित किया जाता है, वहीं पर सब कुछ होता है। दूसरा विकल्प सही है, पाठ का विकास भी उसी में करते हैं साथियों। पांचवें क्वेश्चन में कौन सा विकल्प सही है? सेकंड विकल्प, प्रस्तुतिकरण वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं, छठा क्वेश्चन है आपके, संश्लेषण विधि है। समस्या को छोटे छोटे भागों में करना, खंडित समस्या को पुनः एकत्रित करना, उदाहरण द्वारा समस्या हल करना और सूत्र द्वारा समस्या हल करना। तो एक होती है संश्लेषण विधि और एक होती है विश्लेषण विधि। जो विश्लेषण विधि होती है इसमें समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है, और जो संश्लेषण विधि है इसमें जो खंडित समस्या है इनको पुनः एकत्रित किया जाता है। तो विकल्प नंबर आपका दूसरा सही है, प्रश्न संख्या 6 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की तरफ, तो सातवें क्वेश्चन को देखेंगे। सातवां क्वेश्चन है, गणित शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सबसे उपयुक्त विधि है? भूमिका निर्वाहन विधि, व्याख्यान विधि, पाठ्यपुस्तक विधि और आगमन निगमन विधि। सबसे उपयुक्त विधि यहाँ पर गणित शिक्षण की आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से। तो साथियों, व्याख्यान विधि और पाठ्यपुस्तक विधि तो होगा ही नहीं, शिक्षक केंद्रित विधियाँ हैं दोनों ही। अब भूमिका निर्वहन या आगमन निगमन, तो साथियों सबसे उपयुक्त विधि मानी जाएगी आगमन निगमन विधि। क्योंकि आगमन निगमन विधि में पहले आगमन विधि का प्रयोग करेंगे और फिर निगमन विधि का प्रयोग करेंगे। आगमन निगमन विधि में पहले जैसे उदाहरण के माध्यम से सूत्र स्थापित किए जाते हैं या सूत्र बनाए जाते हैं, सूत्र भी छात्र स्वयं निकालते हैं, फिर उन सूत्रों की सहायता से उदाहरणों के माध्यम से समस्या को हल किया जाता है। तो साथियों इस प्रकार आगमन निगमन विधि सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाएगी। चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 7 में बिल्कुल राइट है। प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं साथियों, आठवां क्वेश्चन है, बीजगणित शिक्षण की उपयुक्त विधि इनमें से कौन सी है? प्रायोगिक विधि, आगमन विधि, समीकरण विधि और व्याख्यान विधि। यहाँ पर आपको बीजगणित के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन करना है। देखिए बीजगणित जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहाँ पर सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है समीकरण विधि। कौन सी विधि मानी जाती है? समीकरण विधि बीजगणित की उपयुक्त विधि मानी जाती है साथियों। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 8 में राइट रहेगा। नेक्स्ट नौवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नौवां क्वेश्चन, कौशलात्मक उद्देश्य का उदाहरण है तुलनात्मक वर्गीकरण करना, रेखाचित्र बनाना, परिभाषित करना और पुस्तकालय में रुचि लेना। देखिए पुस्तकालय में रुचि लेना अभिरुच्यात्मक उद्देश्य से संबंधित है, परिभाषित करना ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है, तुलनात्मक वर्गीकरण करना यहाँ पर आपके अवबोधात्मक उद्देश्य से संबंधित है, और जो रेखाचित्र बनाना है यह आपके कौशलात्मक उद्देश्य से संबंधित है। यहाँ पर कौशलात्मक उद्देश्य का उदाहरण रेखाचित्र बनाना है। तो विकल्प नंबर आपका 2 राइट आंसर है नौवें क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं साथियों। दसवां क्वेश्चन है, हंट महोदय ने शिक्षण के किस स्तर पर बल दिया? चिंतन स्तर पर, बोध स्तर पर, स्मृति स्तर पर और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हंट महोदय के द्वारा जो जिस शिक्षण स्तर पर बल दिया गया है उसको ही देखना है सिर्फ। देखिए हंट महोदय ने चिंतन स्तर पर बल दिया है। शिक्षण के किस स्तर पर बल दिया है? चिंतन स्तर पर। चिंतन स्तर शिक्षण का सबसे उच्चतम स्तर माना जाता है, जबकि स्मृति स्तर सबसे निम्नतम स्तर माना जाता है और बोध स्तर मध्य स्तर माना जाता है साथियों शिक्षण का। यहाँ विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न संख्या 10 में। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 की। साथियों प्रश्न संख्या 11 है, अच्छे से समझना है क्योंकि समझ कर ही आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। निम्न में से कौन सा कथन निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण के संदर्भ में असत्य कथन है? एक के अभाव में दूसरे का अस्तित्व निरर्थक है, उपचारात्मक परीक्षण ही निदानात्मक परीक्षण की आधारभूमि प्रस्तुत करता है, तीसरा विकल्प है शिक्षार्थियों की असफलताओं के कारणों का पता लगाना ही निदानात्मक शिक्षण है, और चौथा और अंतिम विकल्प है छात्रों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के निवारणार्थ हेतु समुचित शिक्षण प्रक्रिया को अपनाना ही उपचारात्मक शिक्षण है।
तो यहाँ पर असत्य कथन का चयन करना है। देखिएगा जो चौथा कथन है कि छात्र जो त्रुटियाँ करते हैं उनके निवारण हेतु जो आप शिक्षण प्रक्रिया में जो उपाय करते हो वो उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। तीसरा है शिक्षार्थियों की असफलताओं के कारणों का पता लगाना, बिल्कुल असफलताओं के कारणों की पता लगाना निदानात्मक शिक्षण होता है, और एक के अभाव में ये दूसरे का अस्तित्व निरर्थक माना जाता है। तो ये तीनों तो सत्य कथन हैं, लेकिन जो दूसरा कथन है उपचारात्मक परीक्षण ही निदानात्मक परीक्षण की आधार भूमि है, ये एक असत्य कथन है। क्यों? क्योंकि उपचारात्मक परीक्षण नहीं है निदानात्मक की आधार भूमि, बल्कि जो उपचारात्मक परीक्षण की आधार भूमि है यहाँ पर वो निदानात्मक परीक्षण है। उपचारात्मक की आधार भूमि कौन है? निदानात्मक है, न कि निदानात्मक की उपचारात्मक आधार भूमि है। तो यहाँ उल्टा दे रखा है, निदानात्मक परीक्षण उपचारात्मक की आधार भूमि माना जाता है। तो यहाँ पर ये जो कथन है ये असत्य हो गया फिर, तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 11 में सही आंसर है साथियों। प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं, 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि मूल्यांकन की गुणात्मक विधियों में आएगी? साक्षात्कार, अवलोकन, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा। देखिए गुणात्मक और मात्रात्मक ये जो दो भाग अलग अलग होते हैं मूल्यांकन की विधियों के, तो जो लिखित परीक्षा है और जो मौखिक परीक्षा है ये आपके मात्रात्मक विधियों में आती है, जबकि जो साक्षात्कार है और जो अवलोकन है ये आपके गुणात्मक विधियों में आएगी। अर्थात यहाँ पर आपका जो प्रथम विकल्प है वो भी सही है और दूसरा जो विकल्प है वो भी सही है, क्योंकि दोनों ही गुणात्मक विधियों में आएगी। बाकी ये नीचे की तीसरी और जो चौथा विकल्प है मौखिक और लिखित परीक्षा वाला ये गुणात्मक विधियों में नहीं आएगी, बल्कि ये मात्रात्मक में आती है साथियों। तो विकल्प नंबर 1 भी सही है आपके और विकल्प नंबर यहाँ पर 2 भी सही है प्रश्न संख्या 12 में। क्लियर है सभी के? मतलब इसमें दो ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे साथियों, 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन योगात्मक मूल्यांकन के संदर्भ में असत्य कथन है? पहला कथन देखिएगा, यह मूल्यांकन सत्र की समाप्ति के बाद होता है। दूसरा है, योगात्मक मूल्यांकन को बाह्य मूल्यांकन भी कहा जाता है। तीसरा है, इसमें छात्रों को ग्रेड या अंक प्रदान किए जाते हैं। और चौथा और अंतिम कथन है, यह मूल्यांकन शिक्षक अध्यापक के दौरान करते हैं। तो यहाँ पर देखिए योगात्मक और रचनात्मक दो प्रकार के मूल्यांकन होते हैं। यहाँ पर योगात्मक मूल्यांकन के संदर्भ में असत्य कथन बताना है, तो साथियों सत्र की समाप्ति पर होता है, बिल्कुल सही बात है। इसको बाह्य मूल्यांकन भी कहते हैं, ये भी सही है। इसमें ग्रेड या अंक प्रदान किए जाते हैं, ये भी सही है। लेकिन यह शिक्षक अध्यापक के दौरान इसको करते हैं तो ऐसा नहीं है। शिक्षक अध्यापन के दौरान जो मूल्यांकन करते हैं वो योगात्मक नहीं होता है, बल्कि वो होता है रचनात्मक मूल्यांकन। कैसा मूल्यांकन होता है? वो रचनात्मक होता है। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है वो आपका असत्य कथन है, चौथा विकल्प आपका राइट है साथियों। 13वें क्वेश्चन में प्रश्न नंबर 14 की ओर आते हैं, 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अप्रक्षेपित सामग्री नहीं है? फिल्म खंड, मॉडल, रेखाचित्र और ब्लैक बोर्ड। देखिए प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित दो प्रकार की ये जो सामग्रियां होती है, तो यहाँ पर मॉडल, ब्लैक बोर्ड, रेखाचित्र तीनों तो अप्रक्षेपित है, लेकिन जो फिल्म खंड है ये एक प्रक्षेपित सामग्री का उदाहरण है। तो फिल्म खंड आपका राइट आंसर है, क्योंकि ये अप्रक्षेपित सामग्री नहीं है बल्कि ये एक प्रक्षेपित सामग्री है। किसी सामग्री है ये प्रक्षेपित, जैसे OHP हुआ, चलचित्र हुए, फिल्म खंड हुई, जादुई लालटेन हुई, तो ये सारी चीज़ें साथियों ये यहाँ पे प्रक्षेपित में होती है। और बाकी मॉडल है, रेखाचित्र है, ब्लैक बोर्ड है, ये चीज़ें अप्रक्षेपित में आ जाती है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न 14 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 की ओर, तो 15वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा विश्लेषण विधि का गुण नहीं है? पहला देखिए, यह क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित विधि है। दूसरा है, इससे पाठ्यक्रम समय से समाप्त हो जाता है। तीसरा है, सिखाया गया ज्ञान अधिक समय तक स्थायी होता है। और चौथा है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। तो साथियों विश्लेषण विधि के बारे में आपको बताना है कि कौन सा गुण विश्लेषण विधि का नहीं है। देखिए प्रश्न संख्या 15 में सही आंसर है, इससे पाठ्यक्रम समय से समाप्त हो जाता है, ये इस विधि का गुण नहीं है। क्यों? देखो बाकी के जो तीन विकल्प है कि क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित भी है, ज्ञान अधिक समय तक स्थायी रहता है और मनोवैज्ञानिक विधि भी है, लेकिन पाठ्यक्रम समय से समाप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि विश्लेषण में एक एक चीज़ को बारीकी से देखा जाता है, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है साथियों।
इस वजह से इसमें पाठ्यक्रम समय से समाप्त नहीं हो पाता है। तो सेकंड विकल्प आपका सही है क्योंकि ये विश्लेषण विधि के गुणों में नहीं आएगा। प्रश्न 15 में दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट है। प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। एक तंत्रात्मक शिक्षण में समस्त भूमिका आधारित होती है, शिक्षक पर, छात्रों पर, दोनों पर और इनमें से कोई नहीं। तो जो शिक्षण का जो प्रकार है एक तंत्रात्मक, एक तो एक तंत्रात्मक होता है और एक प्रजातंत्रात्मक होता है। एक तंत्रात्मक शिक्षण में जो समस्त भूमिका है वो शिक्षक पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? शिक्षक पर। शिक्षक ही इसमें एक्टिव रहता है। जैसे व्याख्यान विधि है वो एक तंत्रात्मक शिक्षण का उदाहरण है। विकल्प नंबर आपका एक सही है। प्रश्न संख्या 16 में बात करेंगे प्रश्न नंबर 17 की। तो साथियों प्रश्न नंबर 17 है आपके, पूर्ण सेंस की ओर शिक्षण सूत्र किसकी देन है? व्यवहारवादियों की, मानवतावादियों की, गेस्टाल्टवादियों की और इनमें से सभी। तो पूर्ण सेंस की ओर आपने नाम सभी ने सुन रखा होगा। ये जो शिक्षण सूत्र है ये गेस्टाल्टवादियों की देन है। किसकी देन है? ये गेस्टाल्टवादियों की। गेस्टाल्टवादियों ने ही पूर्ण सेंस की ओर की भाई जो समस्या है वो छात्र के सामने पूर्ण रूप से प्रस्तुत की जानी चाहिए, क्योंकि छात्रों की जो रुचि होती है वो पूर्ण में होती है। तो पूर्ण सेंस की ओर जो शिक्षण सूत्र है वो इसी सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पर थर्ड विकल्प सही है। वर्दीमर है, कोपका है, कोलर है, जो चिंपैंजी पर, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किए थे वहीं पर इस शिक्षण सूत्र भी ये बना था। साथियों थर्ड विकल्प आपके 17वें क्वेश्चन में सही है। प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं। निम्न में से असंबद्ध को चुनिए। अवबोध, किसी तथ्य को समझ लेना। आग्रहण, सुनने की इच्छा। प्रतिक्रिया, सहभागिता की इच्छा। क्रियात्मक उद्देश्य, क्रेतवाल। देखिए यहाँ पर असंबद्ध, असंबद्ध मतलब जो आपको लगता है कि यार ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, उसको आपको देखना है कि कौन मैच नहीं कर रहा है। तो साथियों अवबोध का मतलब होता है किसी तथ्य को समझ लेना या फिर उसको वर्गीकृत करना, तुलना करना, अंतर करना, ये चीज़ें अवबोध में आ जाती है, तो ये संबद्ध है। आग्रहण का मतलब किसी चीज़ को सुनने की इच्छा से लिया जाता है। प्रतिक्रिया का मतलब सहभागिता की इच्छा से लिया जाता है। लेकिन क्रियात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण क्रेतवाल ने नहीं बल्कि सिंपसन ने किया है। किसने किया है? सिंपसन ने। तो विकल्प नंबर 4 तो आपके 18वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं, जो कि आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। लेकिन मैं आपको बता दूं इसके बाद में आपके पर्यावरण का टेस्ट भी आ रहा है। पर्यावरण का टेस्ट नंबर 1 पहले भी ले चुका हूं कई टेस्ट, लेकिन शुरुआत वापस नए सिरे से की है। तो टेस्ट नंबर 1 वापस आपके 8 बजे के लगभग आ जाएगा पर्यावरण का, उसको भी आप जरूर अटेंड करिएगा। साथियों 19वां क्वेश्चन है, गणित तर्क सम्मत विचार है, यह कथन किसका है? जॉन लोक का, होगबेन का, डटन महोदय का और नेपोलियन का। तो देखिए गणित के संदर्भ में ये जो परिभाषा दी गई है कि गणित तर्क सम्मत विचार है, ये डटन महोदय के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है साथियों? डटन महोदय के द्वारा। 19वें क्वेश्चन में थर्ड विकल्प सही है। अब आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन, लेकिन अगर आप वीडियो पूरा ही देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ऐसा मत कीजिए यार, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जा रहा है। बट यहाँ पे जब हम देखते हैं इस चीज़ को तो बिल्कुल हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छी मेहनत करने के लिए। तो अंतिम और 20वां क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन पर डाउट हो तो कमेंट करके जाइए, टेस्ट कैसा लगा बताइए, जितने क्वेश्चन सही हुए वो भी ज़रूर कमेंट में बता कर जाए। किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट विधि के सोपानों की संख्या है 6, 7, 4, 5। तो साथियों किलपैट्रिक ने जो प्रोजेक्ट विधि दी है इसमें इन्होंने सोपानों की संख्या 6 बताई है। कितनी बताई है? 6 बताई है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 20वें क्वेश्चन में। तो आज के ये 20 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के पूरे कर लिए। जो पर्यावरण का टेस्ट आ रहा है उसको देखिएगा जरूर, क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत धीमी नहीं होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।